नमस्कार दोस्तों, पीके एंटरप्राइज चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एचपी कोई प्रिंटर है, अगर टैंक 319 एचपी है ऑल इन वन, अगर दोस्तों आपको ये एरर शो हो रहा है या आप देख पा रहे हैं ई और फोर और ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और नीचे पेपर भी शो हो रहा है, तो दोस्तों अगर इस स्थिति में अगर आपका प्रिंटर है देन आपको करना क्या है, जैसे जैसे हम बताते जाएं वीडियो को स्किप ना करें और प्रॉपरली देखते रहें इस एरर को। बस दो मिनट में हम अभी ठीक करते हैं, तो दोस्तों पूरी वीडियो देखते रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको ईजिली से आ सकें और जिससे आप कुछ सीख सकें। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये आगे का मॉडल है, देन आप यहाँ से इसे ओपन करना होगा। और दोस्तों इसे ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसकी सिचुएशन यहाँ से जो आप देख रहे हैं, ये दोबारा से आपको ये खोलना होगा। और ये खोलने के बाद इसमें आप इजीली से देखेंगे इसमें कोई पेपर वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। और अभी देखो यहाँ कहीं कोई भी पेपर, इसके दो रीज़न होते हैं दोस्तों, या तो इसमें कोई आपके ट्रे में और यहाँ कोई पेपर वगैरह अंदर फंसा हुआ होगा, उसकी वजह से ये एरर आता है। और सेकेंडली जो एरर है मेनली उसकी वजह से भी आता है, वो अभी हम आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में यहाँ आप देख पा रहे हैं ये ट्रे है थोड़ा सा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ जैसे हम बैक साइड से उल्टा इसे थोड़ा सा उल्टा कराएंगे, उल्टा करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये लॉक जो है अनलॉक हो रखा है, तो ये अनलॉक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि पेपर फंसा हुआ तो नहीं है कोई, यहाँ से भी पेपर हम चेकआउट कर सकते हैं। और इसके बाद ये जो अनलॉक है इसे आपको लॉक करना होता है दोस्तों, ये यहाँ आपको फंसाना होगा। अब ये लॉक है और अगर इसे ऊपर उठा देंगे ये अनलॉक हो जाएगा। तो इस स्थिति में दोस्तों ये लॉक्ड होना चाहिए, और लॉक्ड करने के बाद आप दोस्तों यहाँ आएंगे और इसे जो है एक बार आप कैंसिल कराएंगे और इसके बाद ये एरर आपका दूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों को इसी तरह से करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से ये एरर जो है वो उसी वजह से आ रहा था जो हमने अनलॉक किया है, जो अनलॉक था जो उसे लॉक करना होता है। और दोस्तों इसी तरह से हम, अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है या ये शो हो रहा है, तो इसी तरह से हम इसे दूर कर लेंगे। और आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप इन सारी चीज़ों को दूर कर लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें, और अगर आपकी कोई कोई भी राय हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट करें। धन्यवाद।